हेलो फ्रेंड्स, अगर आप सोच रहे हो 5000 रुपए तक का अच्छा स्मार्टफोन लिया जाए तो दोस्तों आज मैं बताऊंगा, अगर आप 2000 रुपए और ऐड करते तो यानी 7000 रुपए अगर आपके पास होते हैं तो दोस्तों ये जो मोबाइल लगाने जा रहा हूँ ये आप ले सकते हैं आसानी से अच्छे प्राइस में। तो दोस्तों जो इसकी जो मेरी लिस्ट है इसमें जो पहला मोबाइल है वो रेडमी 5A का है। तो दोस्तों इसके बारे में बताऊँ तो जो डिस्प्ले है 5 इंच के डिस्प्ले के साथ, इसके कैमरे की बात करें तो 5 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा और बैक कैमरा 13 मेगापिक्सल का है। और स्टोरेज की दोस्तों अगर बात करते हैं तो 2 GB रैम और 64 GB रोम के साथ, और जो इसकी बैटरी है वो 3000 mAh की बैटरी के साथ ये मार्केट में 6499 रुपए में अवेलेबल हो रहा है। दोस्तों इसकी रेटिंग की बात करें तो 4.5 स्टार रेटिंग इसकी है। दोस्तों जो हमारा इसमें लिस्ट में अगला जो मोबाइल है वो रेडमी 6A है। दोस्तों इसके बारे में बताना चाहूंगा, 5.45 इंच के डिस्प्ले के साथ, इसके कैमरा की बात करें तो 5 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा और जो बैक कैमरा है वो 13 मेगापिक्सल का है। दोस्तों जो इसकी स्टोरेज की बात करते हैं तो 2 GB रैम और 16 GB रोम है, और जो इसका प्राइस है वो 6650 रुपए में और 3000 बैटरी के साथ अवेलेबल हो रहा है। और इसकी रेटिंग की बात करें तो 4.3 स्टार रेटिंग इसकी हो रही है। तो दोस्तों हमारे इस लिस्ट में जो अगला मोबाइल है वो जियोनी S10 लाइट है। दोस्तों इसके बारे में बताएं तो इसकी जो डिस्प्ले है वो 5.2 इंच की डिस्प्ले के साथ 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा और 13 मेगापिक्सल का बैक कैमरा इसमें अवेलेबल है। दोस्तों अगर इसकी स्टोरेज की बात करते हैं तो 4 GB रैम और 32 GB रोम के साथ, इसकी जो बैटरी है 3100 mAh की बैटरी के साथ ये मार्केट में 7150 रुपए में अवेलेबल हो रहा है। और दोस्तों अगर इसके हम रेटिंग की बात करते हैं तो 4 स्टार रेटिंग इसकी हो रही है। दोस्तों हमारे इस लिस्ट में जो अगला मोबाइल है वो सैमसंग गैलेक्सी J2 कोर है। दोस्तों इसके बारे में बताएं जो इसकी डिस्प्ले है वो 5 इंच की डिस्प्ले है, कैमरे की बात करें फ्रंट कैमरा 5 मेगापिक्सल का और जो बैक कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल का है। दोस्तों अगर इसकी स्टोरेज की अगर हम बात करते हैं तो 1 GB रैम है और 8 GB रोम के साथ ये मार्केट में 5990 में अवेलेबल हो रहा है। दोस्तों और इसकी जो बैटरी है 2600 mAh की बैटरी है, और इसकी रेटिंग की बात करते हैं तो 4.2 स्टार रेटिंग इसकी हो रही है। दोस्तों इसी हमारी लिस्ट में जो अगला मोबाइल है वो नोकिया का 2.1 है। दोस्तों इसके बारे में बताना चाहें तो 5.5 इंच की डिस्प्ले के साथ, इसकी कैमरे की बात करें तो 8 मेगापिक्सल का इसका बैक कैमरा है। दोस्तों अगर स्टोरेज की बात करते हैं तो 1 GB रैम और 8 GB रोम के साथ ये 4000 mAh की बैटरी और 6075 रुपए में ये मार्केट में अवेलेबल हो रहा है। और दोस्तों अगर रेटिंग की बात करते हैं तो 4.1 स्टार रेटिंग इसकी मिल रही है। तो हमारी लिस्ट में जो अगला मोबाइल है वो कूल पैड नोट 6। तो इसके बारे में बताना चाहे तो 5.5 इंच के डिस्प्ले के साथ 13 मेगापिक्सल का इसमें कैमरा है, और जो स्टोरेज की बात करते हैं तो 4 GB रैम के साथ 64 GB रोम अवेलेबल है। और दोस्तों इसकी जो खास बात वो 4070 mAh की बैटरी इसमें लगी है, और दोस्तों इसकी जो प्राइस है वो 8000 रुपए में अवेलेबल है। और इसकी एक खास बात, इसकी रेटिंग तो 3.9 स्टार रेटिंग इसमें अवेलेबल है। तो दोस्तों हमारी लिस्ट में जो अगला मोबाइल है वो हॉनर का है, हॉनर होली 3। दोस्तों इसके बारे में बताना चाहें तो 5.5 इंच के डिस्प्ले के साथ इसका जो कैमरा है 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा और 13 मेगापिक्सल का बैक कैमरा है। दोस्तों अगर इसकी स्टोरेज की बात करते हैं तो 2 GB रैम और 16 GB रोम के साथ इसकी 3000 mAh की बैटरी है, और ये मार्केट में 4 स्टार रेटिंग के साथ अवेलेबल हो रहा है। और दोस्तों इसी लिस्ट में जो हमारी आखिरी और अंतिम मोबाइल है उसका नाम है टेक्नो कैमन IAC। दोस्तों इसके बारे में बताना चाहिए, ये अभी नया मोबाइल ही आया है, कुछ ही साल हुए इसको आए। दोस्तों इसकी जो रेटिंग की बात करते हैं तो इसकी जो रेटिंग है 4.4 स्टार रेटिंग है, यानी कि इस लिस्ट में हमारे इस लिस्ट में अब तक सेकंड नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे रेडमी 5A और सेकंड नंबर पे टेक्नो कैनन IAC है 4.4 रेटिंग के साथ। दोस्तों इसकी फीचर के बारे में बताएं तो 5.45 इंच के डिस्प्ले के साथ 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा और 13 मेगापिक्सल का बैक कैमरा है। और दोस्तों इसकी स्टोरेज की बात करते हैं तो 2 GB रैम के साथ 16 GB रोम इसमें अवेलेबल होगा। और दोस्तों अगर बैटरी की बात करते हैं तो 3050 mAh की बैटरी इसमें लग रही है, और इसके प्राइस की बात करें तो 6499 रुपए में मार्केट में अवेलेबल हो रहा है। इसकी रेटिंग मैंने पहले बता दी है 4.4। दोस्तों अगर आप लेना चाहते हैं 7000 के अंदर मोबाइल तो एक बार आप हमारी इस मोबाइल की लिस्ट को देख सकते हैं। तब तक के लिए मेरा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।